नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पे। और आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो टॉपिक है आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नाम से ही पता चल रहा है कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। सही है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। इसी के साथ इसको अपन HMD भी बोलते हैं। HMD, हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। ओके, और मेनली ये नियोनेट में देखने को मिलती है, नियोनेट में। तो नियोनेट में अपन देखते हैं तब इसको बोलते हैं नियोनेटल RDS, नियोनेटल RDS। इसी के साथ इन्फेंट बाद में लीड हो, यदि ये एट बर्थ ना हो, एट बर्थ बाद में यदि कोई अदर कोजेज की वजह से डेवलप हो जाती है, कोई भी पल्मोनरी इन्फेक्शन की वजह से, तो अपने इसको इन्फेंट में देखने को मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन इन्फेंट RDS। ओके, इसके अलावा ये कई बार क्या होता है, इडियोपैथिक कोज की वजह से भी देखने को मिलता है, जैसे कि GDM होता है, GDM जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज मेलाइटस कोज हो जाता है, उसके दौरान जो जेस्टेशनल मदर होती है उसके अंदर ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में जो बेबी डिलीवर होता है वो मैक्रोसोमिया कंडीशन की वजह से होता है, मैक्रोसोमिया कंडीशन डेवलप होती है। मैक्रोसोमिया कंडीशन क्या है कि मोर देन 4 kg वेट बेबी का देखने को मिलता है, जिसमें क्या रहता है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल रहती है, वेजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल रहती है। तो वेजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल है तो अपन क्या प्रीफर करेंगे, सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन में जब ये डिलीवरी की जाती है तो वो कोज लीड कर देती है RDS को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को। तो अपन इसको बोलते हैं इडियोपैथिकली जो डेवलप हुआ इसको बोलते हैं IRDS, इडियोपैथिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अंदर क्या है, अब अपन पढ़ते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी की बात करें अपन, तो इसके अंदर क्या है कि इटियोलॉजी के अंदर अपने को ज़्यादातर देखने को मिलता है प्रीटर्म बेबीज के अंदर, है कि नहीं। इसके साथ ही लंग फंक्शंस इमेच्योर हो, पल्मोनरी लंग्स की मेच्योरिटी प्रॉपर नहीं हुई हो, इसके साथ ही और कोई प्रॉब्लम्स की वजह से एल्यूलर टाइप सेकेंड एल्यूलर सेल्स का निर्माण न हुआ हो, तो सर्फेक्टेंट की इनकम्पेटिबिलिटी हो, तो इसमें अपन देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा अपने को, लंग इनमेच्योरिटी। लंग इनमेच्योरिटी में क्या होगा कि लंग्स मेच्योर ही नहीं हो पाए, तो लंग्स मेच्योर नहीं हो पाए, इसके साथ सर्फेक्टेंट की इंसफिशियंसी हो, या फिर प्रीटर्म बेबी ड्यू टू, जो प्रीटर्म बेबीज है उनके अंदर क्या कारण रहता है, ड्यू टू LS रेशियो, वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं LS रेशियो के रिगार्डिंग। इसके अलावा इसके अंदर क्या रहता है कि एल्वियोलाई डिस्फंक्शन हो, एल्वियोलाई डिस्फंक्शन, जिसके अंदर एज लाइक अपन एग्जांपल ले सकते हैं एटेलेक्टेसिस, इसके अंदर एयर कोलेप्स की कंडीशन हो जाती है। तो आपको बताना चाहूँगा मैं सर्फेक्टेंट इंसफिशिएंसी। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट कहाँ से रिलीज होते हैं, सर्फेक्टेंट रिलीज होते हैं अपनी एल्यूलर सेल्स से। एल्यूलर सेल्स में क्या होती है कि एल्यूलर सेल्स 3 टाइप की होती है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। जो टाइप सेकंड होती है वो आपकी सर्फेक्टेंट रिलीज का काम करती है, सर्फेक्टेंट को रिलीज करवाने का काम करती है। इसके साथ मैक्रोफेजेज क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है, आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो जाता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मैक्रोफेजेज, उनसे लड़ने की क्षमता रखती है। और टाइप फर्स्ट आप सभी जानते हैं गैस एक्सचेंज का काम करती है, इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन में हेल्पफुल रहती है इसे टाइप सेकेंड। तो जो टाइप सेकेंड है एल्यूलर सेल वो क्या करती है, सर्फेक्टेंट रिलीज करवाती है। अब सर्फेक्टेंट के भी कुछ फंक्शंस हैं, सर्फेक्टेंट फंक्शंस जो आपका सर्फेक्टेंट है वो एल्यूलाई को कोलेप्स होने से बचाता है, इसके अलावा एयर स्पेस को प्रोवाइड कराता है,
इसी के साथ अपन देख लेते हैं, प्रोवाइड एयर स्पेस, एयर स्पेस प्रोवाइड करवाता है, प्रिवेंट एलुलर कोलैप्स, कोलैप्स, और इसी के साथ ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को भी मेच्योर करता है, इम्यून सिस्टम को, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गए अपने, फंक्शंस हो गए सर्फेक्टेंट के, सर्फेक्टेंट एयर स्पेस प्रोवाइड कराता है, प्रिवेंट करता है एलुलर कोलैप्स को, और इमेच्योर जो अपनी इम्यूनिटी है उसको डेवलप करवाता है। तो इसी के साथ हम देखेंगे अब जो लंग इमेच्योरिटी है इसके अंदर क्या है कि आपको हम पढ़ेंगे अब इसके साथ ही इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या देखने को मिलता है आपको, पैथोजेनेसिस में बात करते हैं हम एलएस रेशियो की। तो पैथोजेनेसिस में क्या है, पैथोजेनेसिस में हम सबसे पहले बात करते हैं जेस्टेशनल पीरियड क्या है, एक वुमेन जो कंसेप्शन टू डिलीवरी तक का जो पीरियड है उसको अपन जेस्टेशनल पीरियड में लेते हैं, और उसको डिवाइड करते हैं 3 trimesters में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर्स में इंक्लूड करते हैं इनको इसके साथ ही। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है ये आपका कंसेप्शन टू 12 weeks, कंसेप्शन टू 12 weeks, और सेकेंड वन रहता है 12 weeks टू 28 weeks, और इसके साथ होता है 28 weeks टू 42 weeks तक, ओके। ये आपके जेस्टेशनल पीरियड होता है। तो जो आपका जेस्टेशन के दौरान 35 and 36 जो वीक रहता है इसके अंदर डिवाइडेशन होता है किसका, एलएस रेशियो का। एलएस क्या है, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो होता है, इसका निर्धारण होता है। तो ये 2:1 इसका इक्वल होना नेसेसरी है, यदि इसमें ऊपर नीचे होता है तो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का डिवाइडेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होगा, तो वो लीड करेगा आरडीएस को, क्योंकि वो सर्फेक्टेंट को रिलीज नहीं होने देंगे। इसलिए अपन देख सकते हैं कि जो ट्रम बेबीज हैं वो तो अब वो 37 weeks होते हैं, तो उनमें तो ये देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए लंग फंक्शंस वेल रहेंगे। बट यदि होता है प्रीटर्म बेबी तो उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। प्रीटर्म बेबी में क्यों देखने को मिलेगा, कि प्रीटर्म बेबीज हैं वो इसको इसके अंदर क्या होगा कि वो लेस देन 37 weeks होंगे, इसके अंदर मेनली 32-34 weeks के जो बेबीज होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, और डेथ भी सबसे ज़्यादा इन्हीं बेबीज की देखी गई है। जो भी प्रीटर्म बेबीज होती हैं उनके अंदर डेथ का मेन कॉज आरडीएस रहता है। इसी के साथ अपन देखते हैं कि भाई जो एलुलर कंडीशन है, एलुलाइज की जो टाइप सेल्स हैं उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है मान लो, तो उसके अंदर अपने अभी देखा है कि टाइप सेकंड एलुलर सेल होती है वो सर्फेक्टेंट रिलीज करवा रही है। अगर वही डैमेज हो जाए तो मैं बता रहा हूँ एलुलर सेल टाइप सेकंड ये क्या हो गई, डैमेज हो गई। अब ये कैसे हो सकती है, ड्यू टू इसके कारण क्या क्या रह सकते हैं, एक तो हाइपोथर्मिया, सही है कि नहीं, हाइपोथर्मिया की वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा एसिडोसिस की वजह से हो सकता है, या ब्रिथ एस्पेक्सिया की कंडीशन हो। इसी के साथ किस में हो सकता है, शोक की कंडीशन में, जो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से लीड होता है, इसके अंदर देखने को मिले ये हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, ब्रिथ एस्पेक्सिया, शोक। ब्रिथ एस्पेक्सिया क्या है, एट बर्थ जब सीजेशन ऑफ द ब्रिथ रेट हो जाए या फिर ब्रिथ में डिफिकल्टी हो बहुत ही लॉन्ग टाइम से और बहुत ही ज़्यादा, तो उसको अपन ब्रिथ एस्पेक्सिया में लेते हैं। तो एलुलर सेल टाइप सेकंड डैमेज हो जाए जिसकी वजह से भी ये लीड हो सकता है, क्योंकि टाइप यदि एलुलर सेकंड सेल डैमेज होती है तो आपको पता है कि एलुलर सेकंड सेल निर्माण किसका करती है, सर्फेक्टेंट को रिलीज करवाने का। तो सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं होगा, फंक्शंस जो होंगे एलुलाइज और लंग्स के वो इमेच्योर रहेंगे, इम्प्रॉपर रहेंगे। इसी के साथ ही जैसे GDM की बात की थी अपन ने इटियोलॉजी में, तो मैं यहाँ GDM को कोरिलेट करना पाऊंगा कि GDM है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस,
ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या है कि डिले करवाता है, ये क्या करवाता है, डिले करवाता है मेच्योरिटी ऑफ द लंग्स को, मेच्योरिटी मेच्योरिटी ऑफ द लंग्स को। अगर लंग्स की मेच्योरिटी प्रॉपर नहीं होगी तो वो डिले होंगे, तो वो जीडीएम की कोज करवाता है, तो जीडीएम भी कहीं ना कहीं इन लीड करवाता है किसको, आरडीएस को। और इसके साथ अब पैथोजेनेसिस में क्या रहता है कि सबसे पहले क्या देखा अपन ने कि इसके अंदर क्या है कि डिक्रीज हो जाए सर्फेक्टेंट, तो अपन देखते हैं डायरेक्टली डिक्रीज सर्फेक्टेंट, डिक्रीज या एबसेंट ही हो गया सर्फेक्टेंट मान लो, ठीक है, सर्फेक्टेंट डिक्रीज हो गया, सर्फेक्टेंट यदि डिक्रीज होगा तो इधर क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो, कौन सा ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी के साथ क्या रहेगा इधर कि डिक्रीज लंग कॉम्प्लियंस, लंग कॉम्प्लियंस क्या होता है कि जो एक्सपेल आउट और इनहेल करने की क्षमता होती है अपने लंग्स की वो लंग कॉम्प्लियंस कहलाता है। इसको अपन निकालते हैं डायग्नोसिस सी बटा डायग्नोसिस पी, वॉल्यूम ऑफ चेंजेस, वॉल्यूम्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और चेंजेस ऑफ प्लूरल प्रेशर, प्लूरल कैविटी है उसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या है उसके हिसाब से है इसमें। और इसी के साथ क्या रहेगा, यदि ये दोनों कंडीशन एक साथ डेवलप हो रही हैं तो ये किसको लीड करवाती है, डिक्रीज वेंटिलेशन को, वेंटिलेशन को लीड करवाती है ये। वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अकर हो जाएंगी। ये अपनी पैथोजेनेसिस कंप्लीट हुई यहाँ पे। अब अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशंस, क्या करेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशंस, डायग्नोसिस के अंदर डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, इसके अंदर देखते हैं अपन सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करना है, आपके शुरू के जो स्टार्टिंग बर्थ के बर्थिंग टाइम ऑफ टू हावर, जो शुरू का दो हावर का टाइम है ना बेबी का, उस तक पर्टिकुलर तरीके से ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है, मॉनिटरिंग करना है। इसके अंदर क्या करना है, आपको सिल्वर मैन रिट्रैक्शन टेस्ट अपन मेनली परफॉर्म करते हैं, सिल्वर मैन रिट्रैक्शन स्कोर के रूप में अपन इसको चेक करते हैं। सिल्वर मैन रिट्रैक्शन स्कोर में क्या रहता है कि अपने को टैकेपनिया चेक करना है, टैकेपनिया, टैकेपनिया क्या है, जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। इसके अंदर ब्रीथिंग के अंदर अपन देखते हैं टैकेपनिया में मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट अपने को देखने को मिलती है, तो इसमें क्या करना है आपको टैकेपनिया चेक करना है। और जब टैकेपनिया फील हो रहा है तो इसे पता चल रहा है कि एबनॉर्मल वेंटिलेशन की कंडीशन है, किसकी है, एबनॉर्मल वेंटिलेशन की कंडीशन है। मैंने बताया था पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस के अंदर कि वेंटिलेशन डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से एबनॉर्मल वेंटिलेशन लीड हो रहा है, यहाँ पे टैकेपनिया देखने को मिल रहा है। तो अपन मेनली सिल्वर मैन रिट्रैक्शन में क्या करते हैं, टैकेपनिया चेक करते हैं। तो फर्स्ट अपना होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा एक्सरे है वो देख लेते हैं। एक्सरे, एक्सरे के अंदर आपको क्या फील होगा, एटेलेक्टेसिस की कंडीशन, एटेलेक्टेसिस की कंडीशन, बिकॉज एटेलेक्टेसिस की कंडीशन भी कहीं ना कहीं पैथोजेनेसिस इसकी लीड करवाती है। एटेलेक्टेसिस एयर कोलैप्स की कंडीशन है, इसके साथ एम्फाइसिमा की कंडीशन है, एयर स्पेस में इम्प्रॉपर्टी हो जाए, तो उसी के साथ एटेलेक्टेसिस भी अपने को देखने को मिलेगा क्योंकि एल्वोलार कोलैप्स की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो एक्सरे हो गया अपना, इसके साथ अब अपन कर सकते हैं इसके अंदर एबीजी, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे हम। इसके अंदर अपने को जो नॉर्मल रेशियो होगा वो अल्ट्रेशन मिलेगा इसके अंदर। इसके अलावा अपन इसके अंदर बात कर लेते हैं सेक टेस्ट की, जो कि इम्पोर्टेंट है कंपटीशन लेवल से भी और आपकी थ्योरी पोर्शन से भी। सेक टेस्ट में क्या है, आपको जो शुरू का गैस्ट्रिक एस्पिरेटर बेबी का, शुरू का वन हावर का, जो वन हावर ऑफ लाइफ, वन हावर ऑफ लाइफ बेबी, बेबी के वन आवर शुरू के हैं जो लाइफ के, उसके अंदर अपने को गैस्ट्रिक एस्पिरेट लेना है। क्या क्या लेना है, गैस्ट्रिक एस्पिरेट, गैस्ट्रिक एस्पिरेट के अंदर अपने को क्या करना है, 0.5 ml NS लेना है। इसी के साथ अपने को ऐड करना है क्या, 95% एथेनॉल टाइप का 1% सॉल्यूशन, 1% सॉल्यूशन जो यहाँ पे लेंगे अपन, गैस्ट्रिक एस्पिरेट लेंगे बेबी का
और 0.5 ml NS सॉल्यूशन लेंगे और उसको ऐड करेंगे, इसके अंदर करेंगे 95% एथेनॉल 1% सॉल्यूशन के अंदर। इसको 15 सेकंड तक अपने को क्या करना है, 15 सेकंड तक अपने को इसके अंदर देखना है। 15 सेकंड इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद 15 मिनट तक इसको 15 मिनट वेट करेंगे, वेट करेंगे। 15 मिनट वेट के बाद आपको बबल्स रिंग ब्लैक ग्राउंड के अंदर दिखेंगे, बबल्स रिंग जो आपकी स्लाइड है इसके अंदर ऐसे, जो आपने पूरा मिक्स करके ऐसे छोड़ दिया था इसके ऊपर बबल्स बबल्स दिखेंगे आपको। यदि ये बबल्स ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर आपको दिख रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि सर्फेक्टेंट के लिए किया जाता है ये टेस्ट, सर्फेक्टेंट प्रजेंट है, सर्फेक्टेंट प्रजेंट है, और सर्फेक्टेंट प्रजेंट है तो लंग वेल फंक्शन करेंगे। यदि ये बबल्स रिंग प्रजेंट नहीं होता है तो ये इंडिकेट करता है कि टेस्ट नेगेटिव है, और टेस्ट नेगेटिव है तो इसे पता चलता है कि इसके अंदर सर्फेक्टेंट एबसेंट है, तो वो लीड करवाता है। ये सेक टेस्ट आपको देखना है सेक टेस्ट के अंदर, ओके। इसके बाद बात करते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल डायग्नोसिस में क्या है, प्रीनेटल डायग्नोसिस में क्या है, प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल डायग्नोसिस में क्या है कि आप पहले ही प्रेगनेंसी के दौरान ही चेकअप कराएं, उसी वक्त आप यदि चेकअप कराएंगे तो एलएस रेशियो चेक करवा सकते हैं और उसके अंदर डिवाइडेशन देख सकते हैं कि उसका डिवाइडेशन 2:1 हुआ है या नहीं हुआ है, ये अपना प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है। तो अपन ने इसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर कवर किया है फिजिकल एग्जामिनेशन में सिल्वरमैन रिट्रैक्शन टेस्ट, ओके। इसके अलावा अपन ने एक्सरे देखा जिसके अंदर एटेलेक्टेसिस दिखाए, एबीजी गैस एनालिसिस करेंगे उसके अंदर अपने को एबनॉर्मल रेशियो देखने को मिलेगा उनके ऑक्सीजन का और PCO2 का, PO2 का पार्शियली, और प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे और सेक टेस्ट बताया मैंने वो अपन इसमें चेक करेंगे। मैंने बताया था सेक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सेक टेस्ट को बताना चाहूँगा मैं कि सेक टेस्ट में क्या होता है कि गैस्ट्रिक एस्पायरेट रहेंगे बेबी का 1 आवर ऑफ लाइफ के अंदर, जो अपन गैस्ट्रिक एस्पायरेट कर लेंगे और उस सैब को किसके अंदर मिलाएंगे अपन, उसको मिलाएंगे अपन 0.5 ml अपन NS सॉल्यूशन लेंगे और इसी के साथ 95% एथेनॉल का 1% सॉल्यूशन इसमें यूज करेंगे और उसको 15 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे और आफ्टर दैट स्लाइड पे उसको छोड़ देंगे। 15 मिनट वेट करने के बाद अपन उसको देखेंगे तो उसके ऊपर अपने को क्या सीन होता है कि बबल्स रिंग बैकग्राउंड के अंदर प्रेजेंट रहती है तो अपना टेस्ट पॉजिटिव है, क्योंकि वो लंग की मेच्योरिटी और प्लस सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। यदि वो इफ़ ऐसा होता है कि वो नहीं इंडिकेट करता है या बबल्स रिंग अपने को बैकग्राउंड में नॉट सीन होती है तो दैट इज कंडीशन इन विच नेगेटिव टेस्ट है, तो उसके अंदर लंग की मेच्योरिटी भी नहीं है और सर्फेक्टेंट भी नहीं है। तो अपना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अपन क्या मैनेजमेंट, क्या बात करेंगे मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट से पहले अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स क्या डेवलप होते हैं, टैकेपनिया इसके साथ टैकीकार्डिया एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग और नेजल फेलिंग्स और डिसपनिया, और इसके अंदर देखे थे अपन साइनोसिस और चेस्ट वाल रिट्रैक्शन। तो साइन एंड सिम्टम्स में, क्लिनिकल फीचर्स में देखने को मिलता है अपने को टैकेपनिया क्या है, फास्ट ब्रीथिंग रेट हो जाए, टैकीकार्डिया है क्या है, फास्ट जो अपनी हार्ट रेट है वो हो जाए, और एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग में क्या है कि सांस लेने में तकलीफ रहती है और साउंड प्रोड्यूस होता है एबनॉर्मल, वो एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग है। नेजल फेरिंग्स में क्या है, बेबी के जो नेजल फेरिंग्स होते हैं वो थोड़े शेप के अंदर बड़े हो जाते हैं क्योंकि उसको डिफिकल्टी आ रही है रेस्पायरेशन के अंदर, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के दौरान। डिसपनिया की कंडीशन में क्या है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है उसके, और साइनोसिस के अंदर मेन जो सिम्टम्स अपने को देखने मिलता है वो होता है साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है बॉडी का जिसके वो प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर उसको क्या होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो जाता है जो इसको अपन साइनोसिस बोलते हैं। चेस्ट वाल रिट्रैक्शन, प्रॉपर जो चेस्ट वाल होती है उसके अंदर रिट्रैक्शन हो जाता है, तो चेस्ट वाल में रिट्रैक्शन होने के बाद प्रॉपर वो एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के अंदर एयर को इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाता है।
अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ आरडीएस। अपन ने अभी तक क्लियर कर लिया है, इटियोलॉजी कर ली है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी कर लिए हैं, पैथोजेनेसिस भी कर लिए है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कर लिए हैं और इंट्रोडक्शन भी कर चुका है एनडीएस का। अब बात करते हैं हम किसकी, मैनेजमेंट ऑफ आरडीएस की। मैनेजमेंट ऑफ आरडीएस में क्या है, फर्स्ट वन है मॉनिटरिंग बेबी कंडीशन। मॉनिटरिंग बेबी कंडीशन में क्या करना है अपने को, बेबी को मॉनिटर करना है। जो फर्स्ट आवर्स हैं बेबी के 24 आवर्स, उनके अंदर अपन इसको मॉनिटरिंग करेंगे। तो मॉनिटरिंग के अंदर क्या करना है अपने को, स्किन और रेक्टल टेम्परेचर एवरी 4 आवरली अपने को चेक करने हैं। इसी के साथ चेक करना है अपने को रेस्पिरेटरी रेट एवरी टू आवर पे और बेबी का कलर भी चेक करना है, बेबी का कलर, क्योंकि अपन ने इसके साइन एंड सिम्टम में पढ़ा है कि बेबी का कलर क्या रहता है, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है जिसकी वजह से। इसी के साथ अपन करते हैं इसके अंदर क्या, और जो टेम्परेचर है वो किसको इंडिकेट करेगा, हाइपोथर्मिया की कंडीशन तो नहीं है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। और इसके अलावा अपन बेबी की कंडीशंस के अंदर स्किन रेक्टल टेम्परेचर चेक करते रहेंगे पर 4 आवरली, और चेक करेंगे रेस्पिरेशन रेट एवरी 2 आवर, और बेबी का कलर जो कि साइनोसिस को इंडिकेट करेगा, साइनोसिस को। इसके अलावा अपन बेबी की एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को चेक करना है एक्टिविटी, और ख़ास करके एक्टिविटी में अपन रेस्पॉन्स चेक करेंगे, रेस्पॉन्स के अंदर कराई कर रहा है तो सीधी सी बात है रेस्पिरेशन प्रॉपर है, लेकिन कराई अगर इम्प्रॉपर है तो वो लीड करता है किसको, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अकर हो रही है। तो ये अपना हुआ मॉनिटरिंग ऑफ बेबी कंडीशन। इसके बाद हम बात करते हैं आईवी इन्फ्यूज़न, इंट्रावीनसली इन्फ्यूज़न कर रहे हैं बेबी को। तो आईवी इन्फ्यूज़न में आपको क्या याद रखना है कि आईवी इन्फ्यूज़न के अंदर अपने को बेबी को ओरल फीडिंग नहीं करवानी है, क्योंकि बेबी कर ही नहीं पाएगा, इमेच्योर है, लंग्स इमेच्योर है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकता है इससे, ओरल फीडिंग तो इम्प्रॉपर है। तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, एनजी ट्यूब या फिर पेरेंट्रल रूट अपन अप्लाई कर सकते हैं, ओके, और बेबी को न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करा सकते हैं इसके तहत आईवी इन्फ्यूजन या फिर इंट्रावीनसल इन्फ्यूजन के साथ। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, वेंटिलेटरी सपोर्ट में क्या है कि वेंटिलेटरी सपोर्ट के अंदर अपन उसको प्रोवाइड कराएंगे वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के अंदर अपन उसको यू सक्शनिंग करवाने की अगर अपने को जरूरत पड़ती है तो अपन उसको ओरोफेरिंजियल या नेजोफेरिंजियल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन वाया हुड है, ऑक्सीजन ओटू एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ओटू एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अपने को प्रॉपर कंसंट्रेशन का मेंटेनेंस करना है, कंसंट्रेशन यदि प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी तो वो एक कॉम्प्लिकेशन अकर करती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा वार्म एंड ह्यूमिडिटी, इसके अंदर क्या है कि वार्मनेस प्रोवाइड करानी है बेबी को, उसके लिए 36.5 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर हम मेंटेन करके चलेंगे, या फिर बेबी को हाइपोथर्मिया की कंडीशन बचाने के लिए अपन इंक्यूबेटर भी यूज में ले सकते हैं, और ह्यूमिडिटी 60% तो होनी ही चाहिए, 60% ह्यूमिडिटी के साथ बेबी को रखना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है सर्फेक्टेंट थेरेपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से भी और अपनी एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से, सर्फेक्टेंट थेरेपी। तो सर्फेक्टेंट थेरेपी में क्या है कि आजकल आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड सर्फेक्टेंट बाहर से प्रोवाइड करा सकते हैं अपन बेबी को, तो उसके लिए कई प्रकार के ओरिजन है। फर्स्ट वन है ह्यूमन ओरिजन, इसमें सर्वेंटा और इन्फासर्फ, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर ह्यूमन ओरिजन के बाद पोर्सिन ओरिजन के क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर, अपन कर सकते हैं क्यूरोसर्फ। इसके अलावा अपन बात करें सिंथेटिक प्रिपरेशन की, तो इसके अंदर है एक्जोसर्फ। सिंथेटिक प्रिपरेशन के अंदर क्या आएंगे, एक्जोसर्फ है। इसके अलावा इसके अंदर DPPC भी होता है, ओके। तो ये इसके कुछ ओरिजन है सर्फेक्टेंट के,
ह्यूमन ओरिजिन में सर्वेंटा और इंफासर्फ यूज में लेते हैं, पोर्सिन ओरिजिन में क्यूरोसर्फ यूज लेते हैं, और सिंथेटिक प्रिपरेशन के अंदर एक्जोसर्फ एंड डीपीपीसी यूज करते हैं। और इसको जब ये सर्फेक्टेंट थेरेपी दी जाती है तो इससे पहले बिफोर टाइम प्रॉपर अपने को ऑक्सीजनेशन करना पड़ता है, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन प्रॉपर मेंटेन करते हैं, इसी के साथ मॉनिटरिंग रखते हैं, क्लोज मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग प्रॉपर करनी है अपने को इसके साथ में, और सर्फेक्टेंट थेरेपी का प्रॉपरली अपने को एक स्पेशलिस्ट जो पीडियाट्रिशियन होगा वही अप्लाई करेगा, और इसके अंदर ऑक्सीजनेशन वेंटिलेशन मॉनिटरिंग पहले से ही सर्फेक्टेंट थेरेपी देनी है तो अपने को स्टार्ट रखना है। इसके बाद अपने सर्फेक्टेंट थेरेपी के बाद आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों यूज कर रहे हैं अपन? एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं अपन पल्मोनरी इन्फेक्शन, यदि अपने को पता है बेबी को पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ है, एटेलेक्टेसिस वगैरह या फिर कुछ और कंडीशन है रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम, तो उनका अपन क्या करेंगे, उनका लिए अपन एंटीबायोटिक यूज करेंगे। तो एंटीबायोटिक के अंदर है, एंटीबायोटिक्स के अंदर है जो अपन किसको ट्रीट करेंगे, पल्मोनरी इन्फेक्शन को, पल्मोनरी इन्फेक्शन। इसी के साथ पल्मोनरी इस एंटीबायोटिक के अलावा अपन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यूज में ले सकते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करेंगे। इसके अलावा अपना एंटीबायोटिक्स के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ई, अपना लास्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, इसके अंदर अपन ने काफ़ी टॉपिक इंक्लूड किए हैं जैसे कि शुरू में मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी कंडीशन, आईवी इन्फ्यूजन, वेंटिलेटरी सपोर्ट, ऑक्सीजन वायाहुड, सर्फेक्टेंट थेरेपी और इसके साथ एंटीबायोटिक थेरेपी, और अपन अब बात कर रहे हैं किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई एक प्रकार के क्या है, बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका यूज अपन करते हैं, क्यों करते हैं कि जब ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन हो जाती है बेबी के, तो उस कंडीशन में क्या डेवलप रहता है, क्या डेवलप होने का खतरा रहता है, ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया। तो ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया है, इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या है, अपन जानते हैं कि हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी नहीं हो रही है, और किसी ऑर्गन के अंदर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया डिक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ब्रोंक्योल्स हैं या ब्रोंकाइज हैं और लंग्स हैं वो इमेच्योर होंगे और कम उनकी मेच्योरिटी होगी, तो इसके साथ बीपीटी कोज हो जाएगा। तो बीपीटी के कोज को रोकने के लिए या एज ए प्रिवेंशन बोल सकते हैं, प्रिवेंशन फॉर द बीपीडी, अपने को पता है भाई कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो सकता है, रेशियो गड़बड़ा सकता है, इसी के साथ अपन बात कर सकते हैं कि बीपीडी को प्रिवेंशन के लिए क्या अप्लाई कर देंगे अपन, उसके विटामिन ई। तो विटामिन ए जो प्रोवाइड कराएंगे अपन, विटामिन ए की डोज रहेगी क्या, 100 IU पर एमजी बॉडी वेट पर केजी बेबी को आयु जो 100 IU है वो प्रोवाइड करानी है बॉडी वेट पर केजी के हिसाब से, और बेबी को अपने को बीपीडी से बचाना है। ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, अगर आरडीएस का अपन कॉम्प्लिकेशन देखें, रेयर कॉम्प्लिकेशन है लेकिन डेंजरस है, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड किया गया है इसको, डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इंक्लूड किया गया है किसको, बीपीडी को। बीपीडी क्या है, ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया। इसी के साथ आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, आरडीएस आपका, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।